नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। हनुमान जन्म उत्सव पर एक झंडा यात्रा निकाली गई थी जो हनुमान चौराहे से पंचमुखी हनुमान आश्रम तक पहुंची थी। इसमें बड़ी संख्या में सभी समाज की महिलाएं शामिल हुई थी। आइए हम बात करते हैं ये झंडा यात्रा के बारे में। यहाँ पर जो झंडा यात्रा निकाली गई थी, हमारे साथ कुछ झंडा यात्रा की महिलाएं जिन्होंने ये यात्रा निकाली थी, इसके बारे में बताएंगे हम। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती राखी रघुवंशी है। ये झंडा यात्रा हमने 11 के दिन सोचा था मंदिर में ही बैठ के, और जो कुछ किया सब बाबा की कृपा हुई। इसमें किसी एक समाज ना होते हुए सभी धर्म समाज के, सभी हिंदुत्व के महिलाएं शामिल हैं, और इसमें सबने सहयोग किया और बस बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और बाबा का जन्म उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जो कि हनुमान चौराहे से पंचमुखी तक हम लोगों ने पैदल यात्रा नाचते गाते करी, और इसमें सभी हिंदू धर्म की सभी महिलाएँ शामिल हैं। जय सियाराम। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ संगठन को अपना झंडा यात्रा बता रहे थे, ये सही है कि गलत है? ये गलत है, इसमें किसी एक समाज की नहीं है। अगर आप देखा जाए, इसकी पुष्टि की जाए, तो इसमें सभी धर्म समाज की सभी महिलाएं शामिल हैं, और सबने सहयोग राशि भी दी, सबने सहयोग भी किया है बाबा के प्रति। जो भी जिससे बना उसने सबने इसमें सहयोग किया है, और इसमें सभी धर्म की महिलाएं हैं, सभी समाज की महिलाएं हैं, किसी एक का नहीं है। जिसने भी ये न्यूज़ दी है वो गलत है, ऐसा नहीं देना चाहिए था। आप इसके बारे में कुछ बताइए। बस इतना ही कहना चाहूँगी, जिसने भी ये न्यूज़ निकलवाई है बिल्कुल गलत है, और ये गलत तो है ही है, लेकिन समाज को संदेश गलत जा रहा है। कोई ब्राह्मण समाज नहीं, कोई ठाकुर समाज नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई समिति नहीं है। सिर्फ बाबा का काम था, बाबा की खुशी के लिए हमने ये काम किया था। हम ये नहीं चाहते कि हम आ गए आएँ या हमारा फोटो आ गया है छपे, ये बिल्कुल गलत है और सबको गलत संदेश जा रहा है। सभी बहनों से मैं क्षमा चाहती हूँ, जिसने भी ये करा है गलत करा है, और वो क्षमा मांग रही हैं हमसे। ऐसे नहीं वो सामने आके क्षमा मांगें, सारी बहनों से क्षमा मांगें, ये गलत हुआ है। एक ब्राह्मण समाज नहीं है, सभी समाज हैं, सारी बहनें एक हैं। कम से कम महिलाएँ तो एक बनो। जब सारी शेरनियाँ एक बनेंगी जंगल में जब ही दहाड़ेंगी। एक महिला कोई आगे ना आए, एक महिला कोई एक नहीं हो सकती, सभी बहनें मिलकर चलेंगी तभी एक हो पाएंगी। और ये सबके उससे ही ये कार्य होता है, किसी एक के उससे कोई कार्य नहीं होता है। इसमें जब सब शामिल होते हैं तब एक संगठन बनता है, तभी एक कार्य होता है। बिना एक के किसी के बलबूते पे कभी कोई कार्य नहीं हुआ है। जो हुआ है वो सबके सहयोग से हुआ है, सबके साथ हुआ है। नहीं, हमारा कोई संगठन नहीं है, कोई समिति नहीं है। पंचमुखी बाबा है संगठन, पंचमुखी बाबा है सब कुछ, जो कुछ है बस हम बाबा से जुड़े हुए। ये समाज के प्रति, समाजवादी प्रति एक विरोध प्रदर्शन है कि ये लिखा हुआ है ये गलत है। इसको जिसने भी करा वो क्षमा भी मांग रही है, लेकिन ये इसकी पुष्टि की जाएगी और उनको सुधारने का मौका दिया जाएगा कि वो अपनी गलतियों को सुधारें। देखिए, जो भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो सभी समाज के लिए होते हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए होते हैं। इसलिए हर जो भी धार्मिक कार्य है सब समाज को मिलकर ही मनाना पड़ता है।